कुदरत के कोहराम की तस्वीरें महाराष्ट्र से भी लगातार आ रही हैं। यहाँ जहां तक भी नजर जाती है, पानी के अलावा पानी से हुई तबाही के मंजर नजर आते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ आ गई, जिसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कहीं तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग दहशत में हैं, तो कहीं बाढ़ के पानी ने लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 100 लोग अब भी लापता है। ये कुदरत का कहर है जो महाराष्ट्र में बरसात बनकर आसमान से टूटकर गिरा है, जिस पानी के बिना जिंदगी बेहाल हो जाती है, उसी पानी ने जिंदगी बेहाल कर दी है। यहाँ नीचे पानी, ऊपर पानी, जहां जहां नजर जाए बस पानी ही पानी नजर आता है। इस बरसते बेशुमार पानी की वजह से यहाँ लोगों की आंखों से भी पानी बरसने लगा है। सब गांव खाली हो गए, मेरा जन्म, मेरा भूमि सब गया इधर से। बहन बहन भाचे सामान से घर ताजे सागे ली। बीते कुछ दिनों से सारा महाराष्ट्र बारिश से इस कदर सराबोर हुआ कि जिंदगी त्राहिमाम करने लगी। महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। आलम यह है कि तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग अब दहशत के शिकंजे में हैं। इस तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए मोर्चे पर उतरी एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करती नजर आ रही हैं। आपके सामने कुदरत की मार की चंद तस्वीरें समूचे महाराष्ट्र का हाल बयां करने के लिए काफी हैं। पूरा जो है वलवा एरिया, ये भी पूरा डिस्टर्ब है। इसके बाद में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर, जो कि बीच में नदी क्रॉस करने के बाद जाते हैं हम लोग, सिर गांव है। वहाँ पर उस गांव के चारों तरफ में ऑलरेडी वाटर लॉगिंग अप हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का पानी जेल में भी भर गया। सांगली जेल के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। जेल में पानी भरने की वजह से 300 कैदियों में से 100 कैदियों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा। इस वक्त हम कृष्णा नदी के ऊपर से गुजर रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि बाढ़ का आलम यह है कि नदी की चपेट में जो आसपास के गांव हैं वो पूरी तरह से समा चुके हैं। केवल और केवल बर्बादी का आलम और तबाही का आलम दिखाई पड़ता है। लोग जो हैं उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। केवल ऊंची जगह जो आपको किनारे पे दिखाई पड़ रही हैं, उन ऊंची जगहों पर कुछ लोगों को अभी छोड़ा गया है जो अपनी मर्जी से रुके हुए हैं, और खासतौर पर जानवर जो हैं वो बांधे गए हैं ताकि हालात बिगड़ने न पाए। महाराष्ट्र में चारों तरफ फैली तबाही का जायजा लेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रत्नागिरी के गुहागार पहुंचे।
उद्धव ठाकरे ने चिपलुन में बाजार में हुए नुकसान के बारे में लोगों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी रायगढ़ का दौरा किया। दोनों नेताओं ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने लोगों को पूरे मदद का भरोसा दिलाया। वहीं फडणवीस ने भी पीड़ितों को हर संभव मदद की बात कही। अरे देखिए, केंद्र सरकार की मदद मैं आने के पहले भी आई है, तो अभी मुझे भेजा गया हमारे पंतप्रधान मोदी साहब ने, उन्होंने कहा जाइए देखिए और वहाँ के लोगों की कुछ समस्या होगी तो मेरे पास आप उसका रिपोर्ट दीजिए। प्रवीण दरेकर जी सबसे पहले यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया। 3 किचन भी चालू किए हैं, लोगों को खाना देने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। अभी माननीय राणे जी यहाँ पर आए हुए हैं तो राणे जी यहाँ की रिपोर्ट पीएम साहब को देंगे और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी केंद्र सरकार की मदद है वो मिलेगी। महाराष्ट्र के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें देखने को मिली। वहां के तलई गांव में जमीन खिसकने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। महाड़ में बाढ़ का पानी तो निकल गया लेकिन अभी भी तबाही के निशान सड़कों पर नजर आ रहे हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लापता लोगों की तलाश कर रही हैं। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं।